नामांकन दाखिल कर दिया है सोनिया गांधी ने। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। इसके पहले भी खबरें यही आ रही थी कि अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी सोनिया गांधी, हालांकि हवाला तो उनकी तरफ से स्वास्थ्य का दिया गया है, लेकिन बड़ी बात राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। राजस्थान से राज्यसभा की अब सदस्य बनने वाली है सोनिया गांधी। ये नामांकन उनकी तरफ से दाखिल किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, राहुल गांधी भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी, बहुत आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे, शायद इसीलिए उन्होंने राजस्थान को चुना। देखिए, लगभग तय माना जा रहा है, अगर और कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ तो, क्योंकि राजस्थान में 3 सीटें खाली है, उसमें से 2 पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिए और 1 पर सोनिया गांधी ने, यानी कि कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया गया। और जो संख्या बल है उसके हिसाब से ये तय माना जा रहा है कि 1 सीट कांग्रेस की पक्की है, यानी कि सोनिया गांधी राजस्थान से लगभग तय माना जा रहा है कि राज्यसभा पहुँच जाएगी। 5 बार से लोकसभा सांसद रह चुकी है रायबरेली से, और अब स्वास्थ्य कारणों की वजह से, और यहाँ से राजस्थान से नामांकन दाखिल किया। राजस्थान से मनमोहन सिंह से, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी सीट खाली हुई थी और इसी वजह से 1 सीट पर नामांकन दाखिल कर दिया। राजस्थान विधानसभा की एक तस्वीर बताते हैं, यहाँ पर अभी नामांकन अभी सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया है। यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ में अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद है। विधायकों को पहले ही बुला लिया गया था, नामांकन पत्र के सेट पहले से तैयार थे। सोनिया गांधी कुछ देर पहले पहुंची प्रियंका गांधी के साथ में, और पहले कांग्रेस के विधायकों से मिली और उसके बाद में तत्काल नामांकन दाखिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, और लौटेंगे हम आपके पास में। एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, ये कांग्रेस की राजनीति की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। इस लिहाज से 2004 से लगातार वो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रही थी, और रायबरेली सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, वहां से कोई भी कांग्रेस का अगर उतरता है तो वो चुनाव जीत ही जाता था, लेकिन लोकसभा छोड़कर अब वो राज्यसभा की ओर रुख कर रही हैं। हम एक बार फिर से भवानी का रुख करते हैं। भवानी, नंबर गेम ही होता है राज्यसभा में सब कुछ, और 70 का आंकड़ा है कांग्रेस के पास में और जीत के लिए महज 51 चाहिए, इसीलिए भरोसा था कि यहां से उतर जाएंगे। मनमोहन जब हटे तो उन्होंने अपने आप को चुना यहां से। देखिए बिल्कुल, लगभग राजस्थान की जो सीट है वो सेफ मानी जा रही है। वैसे टोटल देश भर में 56 सीटें खाली हुई, जिसमें से 10 पर कांग्रेस की सुरक्षित सीटें मानी जा रही है, लेकिन राजस्थान पर भरोसा इसलिए ज्यादा है कि एक तो सुरक्षित सीट है, दूसरा क्योंकि लगातार जो अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे बड़े नेता यहाँ पर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से भी प्रस्ताव मिला था, तेलंगाना से भी मिला था, लेकिन तमाम प्रस्ताव को छोड़कर सोनिया गांधी ने राजस्थान को चुना। उसके पीछे कई सारी राजनीतिक कारण भी है इसके साथ में, इसके अलावा क्योंकि दिल्ली से भी काफ़ी नज़दीक है, जब उनको आना हो स्वास्थ्य कारणों की वजह से तो भी वो राजस्थान जब भी चाहे तब आ सकती है, क्योंकि जब राज्यसभा सही से चुनी जाएगी तो हो सकता हो कि बीच में कुछ दफा आना पड़े। हालांकि यहाँ पर अब जो ये लगभग औपचारिकता है सोनिया गांधी का राज्यसभा के लिए चुना जाना, जब चुनाव होगा और ऐलान कर दिया जाएगा तो एक तरह से तय मानी जा रही है ये सीट पक्की सोनिया गांधी के लिए। बिल्कुल भवानी, इसी के साथ बड़ी बात ये भी है कि ये दलीलें तो कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है ना, कि रास्ता छोटा है दिल्ली से जयपुर, वो फटाफट पहुंच जाएंगी, स्वास्थ्य कारण। विपक्ष क्या कह रहा है, उसके क्या दावे हैं? ये जो राजस्थान को चुना गया है सोनिया गांधी की तरफ से, ठीक है लौटते हैं आपके पास भवानी। ये जो तस्वीरें हैं दर्शकों को एक बार फिर से हम दिखा दें, अब महज औपचारिकता, जैसा आपको जावेद भी बता रहे हैं। ये देखिए, बगल में आपको अशोक गहलोत खड़े हुए दिखाई देंगे, एक तरफ राहुल गांधी है, प्रियंका वाड्रा है, तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी इन तस्वीरों में शायद आगे पीछे कहीं होंगे, क्योंकि भवानी कह रहे हैं कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों से कहा जा रहा है कि अब वो चुनाव लड़ नहीं सकती हैं, बहुत जगह घूमकर वो रोड शो नहीं कर पाएंगी या चुनावी रैली को संबोधित नहीं कर पाएंगी, और ऐसे में अभी फिलहाल राजस्थान का रुख किया गया है सोनिया गांधी की तरफ से। नंबर गेम पूरा है तो कोई दिक्कत होगी नहीं उनको राज्यसभा की सांसदी मिलने में। भवानी का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। भवानी, ये तो राजनीति है ना, अब अगर रायबरेली छोड़कर राजस्थान पहुंची है सोनिया गांधी तो विपक्ष भी जरूर कुछ कह रहा होगा। देखिए बिल्कुल, बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है, बीजेपी कह रही है कि पहले अमेठी छोड़कर राहुल गांधी गए, और जैसे ही, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि उनको लग रहा है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती, ये डर है, और जो रायबरेली जिसको सुरक्षित सीट माना जा रहा है वो कह रहे हैं कि पहले अमेठी को भी सुरक्षित माना जाता था, अमेठी हाथ से चली गई, अब रायबरेली जब हाथ से जाती नजर आ रही है उनको लगता है, और इसी डर की वजह से ये सीट
क्योंकि लोकसभा वापस चुना जाना मुश्किल नजर आ रहा है, इसलिए कांग्रेस डर में सोनिया गांधी को राजस्थान से सुरक्षित तरीके से राज्यसभा भेजना चाहती है, जिससे कि वो संसद के अंदर मौजूद रहे। विपक्ष का यह आरोप है। और जिस तरीके से जो बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि यूपी के अंदर कांग्रेस के लिए कोई भी सीट हासिल करना लगभग नामुमकिन सी स्थिति है, इसलिए गांधी परिवार के सामने इज्जत बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए राजस्थान से राज्यसभा से भेजा जा रहा है। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास में। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। रायबरेली की सीट अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर अब वो राज्यसभा का रुख कर रही है। अब इसके पीछे दो तस्वीरें हो सकती है। क्या रायबरेली से वो सक्रिय तौर पर अपने ही परिवार से, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन आप समझ सकते हैं कि अपने ही परिवार से शायद वो आपको इस फ्रेम में दिखाई दे रही हो, किसी एक ऐसे चेहरे को उतारने जा रही है, इसीलिए रायबरेली की सीट छोड़ दिया और अब राज्यसभा का रुख कर रही है? क्योंकि बहुत सारे मायने तो राजनीति में एक किसी फैसले के भी बहुत बड़े मायने होते हैं और रायबरेली वो सीट है जहां से कांग्रेस का कोई भी नेता उतरेगा वो चुनाव जीतता ही जीतता है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। हालांकि अमेठी के लिए भी यही सोचते थे लेकिन अमेठी के गढ़ में जो है सेंधमारी की गई स्मृति ईरानी की ओर से और कैसे वहां पर पटकनी खाई राहुल गांधी ने और स्मृति ईरानी वहां से जीतकर लोकसभा पहुंच जाती है। मैं एक बार फिर से भवानी का रुख करती हूं। भवानी, इन सबके बीच में यह भी देखना होगा, जब आप सोनिया गांधी अब राज्यसभा जा रही है वो भी राजस्थान से, दो बड़े नेता राजस्थान के जिनके बीच में अक्सर टसल हमने देखा, उनके बीच में सामंजस्य बिठा पाती हैं या नहीं बिठा पाती हैं? हालांकि राज्यसभा का उम्मीदवार बहुत कुछ ऐसा करता नहीं है लेकिन सोनिया गांधी का होना बहुत बड़ी बात है। देखिए बिल्कुल, राजस्थान की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में टकराव लगातार चला आ रहा था और अभी भी रहा, अभी भी दोनों को, क्योंकि राजस्थान के अंदर जब अशोक गहलोत चुनाव हार गए उसके बावजूद भी इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक गहलोत को भी दिल्ली बुलाया गया, उनको एक जिम्मेदारी दी गई, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया और यहाँ पर जो विपक्ष का नेता बनाया गया वो भी एक अलग नए जो टिकाराम जूली है उनको बनाया गया, वो दोनों खेमे से नहीं है, वो भंवर जितेंद्र सिंह के नज़दीक माने जाते हैं। तो राजस्थान की परिस्थितियाँ देखिए कि राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि अभी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत लगभग राजस्थान कांग्रेस के अंदर पकड़ के लिहाज से आमने सामने। तो ये कोशिश सोनिया गांधी जब राजस्थान से चुनी गई जाहिर तौर पर उनका एक दखल रहेगा और शायद इसके पीछे एक मंशा ये भी हो सकती है कि राजस्थान कांग्रेस के झगड़े को आगे भी निपटाया जाए, क्योंकि जो स्टेट्स जिनमें कुछ संभावनाएं पोटेंशियल आगे भी नज़र आ रहा है उसमें एक राजस्थान भी है। तो एक ही वजह ये, जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि क्योंकि रायबरेली की सीट पर जाहिर तौर पर एक प्रियंका गांधी का लगातार ये था कि जब अमेठी छोड़कर राहुल गांधी जा चुके हैं और अगर रायबरेली सीट खाली होती है तो शायद प्रियंका गांधी वहां से लोकसभा और जनता भी हिसाब मांगेगी कि आपने अपनी इस सीट को छोड़ दिया, आप दूसरी सीट पर जा रहे हैं, हर सीट को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। अबू धाबी में आज पहले BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भी होंगे।